हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज आपके लिए लेके आए टाटा नेक्सॉन का डीजल में बेस एंड वेरिएंट, जिसको एक्सएम कहते हैं। बेसिकली पेट्रोल में एक्सी बेस वेरिएंट होता है, लेकिन डीजल में एक्सएम रहता है। तो आज इस गाड़ी की हम एक पूरी डिटेल वीडियो करने वाले हैं, और इस गाड़ी के बारे में बताने में क्या कुछ आपको इस गाड़ी में फीचर्स मिल रहे हैं, क्या गाड़ी का प्राइसिंग रहने वाला है और क्या गाड़ी का माइलेज रहता है, सारा कुछ इस वीडियो में डिटेल में बात कर लेंगे। दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं एडवाइसरी की वीडियो। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रंट लुक में अगर हम बात करें, फ्रंट अगर आप देखेंगे, डुअल पार्शियल, इसमें आपको जो हेडलैम्प मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर दिया गया है, यहाँ पे आपको लो बीम के लिए बेसिकली, और हाई बीम के लिए आपको जो है हैलोजन बल्ब मिल जाते हैं। उसके नीचे अगर आप देखें, आपको कोई भी फॉग लैंप्स नहीं मिलते हैं। यहाँ पे ग्लॉसी और जो है मैट कलर का प्लास्टिक क्लैडिंग्स दी गई है। यहाँ पे आपको इंडिकेटर के लिए मिल जाता है ऑप्शन। ग्रिल की बात करें, फ्रंट ग्रिल आपको पूरी जो है पियानो फिनिश में मिलती है। नीचे अगर आप देखें, आपको जो है रफ प्लास्टिक बेसिकली दिया गया है। और यहाँ पे अगर मैं आपको दूर से दिखाऊं तो इस टाइप की जो है लुक आने वाली है बेसिन वेरिएंट की, ठीक है। कहीं से भी देखने में लगती नहीं है कि प्रॉपर बेसिन वेरिएंट होगा, टॉप एंड वेरिएंट जैसा ही लगता है, क्योंकि मेन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स होते हैं। अगर प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स जो है टॉप एंड वेरिएंट को जस्टिफाई कराते हैं, बगल में जो है टॉप एंड वेरिएंट भी खड़ा है, अगर आप देखें तो लुक्स में इतना फ्रंट में पता लगेगा नहीं। अगर आप इस गाड़ी में फॉग लैंप लगवा देते हैं और एलॉय व्हील्स लगवा देते हैं, तो ये भी प्रॉपर टॉप एंड वेरिएंट ही लगेगी। उसके बाद गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस, आप देखिए 209 mm का इस गाड़ी में आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, जो कि अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस होता है कॉम्पैक्ट एसयूवी के लिए। साइड में अगर आप देखें, यहाँ पे आपको जो है पियानो ब्लैक में नेक्सॉन की बैजिंग मिल जाती है। और टायर की अगर हम बात करें, तो इतना बड़ा आपको जो है टायर मिलता है विद व्हील कैप्स, ब्रिजस्टोन के आपके इसके अंदर टायर मिलते हैं, जिसकी प्रोफाइल रहने वाली है 195/60R16। टॉप एंड वेरिएंट में थोड़ा जो है आपको टायर बड़ा मिल जाता है, टायर की जो प्रोफाइल है वो ज़्यादा मिल जाती है। रिम साइज 16 इंची रहता है, लेकिन 215/60R16 रहता है, ठीक है। ये बगल में आपको खड़ा है टॉप एंड वेरिएंट, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये टॉप एंड वेरिएंट बेसिकली खड़ा है, और इसकी जो फ्रंट लुक है वो आप देख लीजिए, ये फ्रंट लुक रहने वाली है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद साइड प्रोफाइल की अगर हम बात करें, साइड प्रोफाइल में ORVM के ऊपर भी आपको इस गाड़ी में इंडिकेटर मिल जाता है। रूफ रेल्स आपको इस गाड़ी के साथ दी गई हैं ग्रे कलर की, ब्लैक कलर के आपको इसके अंदर जो है डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। उसके बाद देखें, डोर भी अगर आप देखें तो आपको ऑल ब्लैक डोर मिलने वाला है, सिल्वर पियानो फिनिश मिलती है, प्लस यहाँ पे आपको ब्लैक मिलता है, और ये भी जो है पावर विंडोज बेसिकली मिलते हैं, ठीक है। सबसे अच्छी चीज़ मैं अभी आपको इस गाड़ी में दिखाऊंगा जब गाड़ी के अंदर चलेंगे, पहले एक बार एक्सटीरियर्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे आपको जो है कोई भी कॉस्ट कटिंग देखने के लिए नहीं मिलती है, ब्रिजस्टोन के टायर मिल रहे हैं। ब्रिजस्टोन के टायर बेसिकली थोड़े से कॉस्टली रहते हैं एज कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स। अगर आप ऊपर के साइड देखें तो इस गाड़ी में क्या आपको शार्क फिन एंटीना नहीं मिलेगा, बेसिक वाला एंटीना मिल जाता है आपको। पीछे से अगर आप देखेंगे, आपको इस टाइप के जो है LED टेल लैंप्स मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको हैलोजन इंडिकेटर मिलता है, प्लस आपको यहाँ पे रिवर्स के लिए मिल जाता है। और पीछे से भी गाड़ी में कहीं भी पता लगता नहीं है कि गाड़ी बेस एंड वेरिएंट है, सिर्फ एक वाइपर आपको यहाँ पे रहेगा बेस एंड टॉप एंड मॉडल में। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप आपको मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे नेक्सॉन की ब्रांडिंग दी गई है, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, नेक्सॉन की ब्रांडिंग दी गई है। यहाँ पे आपको जो है इसको बूट आगे से आप ओपन कर सकते हैं। और पीछे अगर आप देखें, आपको दो पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर दिया गया है, और काफ़ी रगड़ इसका जो है पीछे वाला बम्पर देखने के लिए लगता है। लगभग 350 लीटर का इस गाड़ी में आपको जो है बूट स्पेस मिल जाएगा। एक बार बूट रिलीज करके आपको बूट खोल के भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ से इसका बेसिकली जो है बूट ओपन होता है इस साइड से। अभी इसका बूट हो गया है ओपन, तो एक बार दिखा देता हूँ। इस गाड़ी में आपको जो पार्सल ट्रे वगैरह नहीं मिलेगी, तो ये लगभग 350 लीटर का आपको इस गाड़ी में बूट स्पेस मिल जाता है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है ना, कि बेसिन मॉडल में भी आपको बूट लैंप मिल जाता है, ठीक है। इसके अगर नीचे जाएं आपको तो ऐसा सा आपको टायर मिल जाता है, वो भी सेम प्रोफाइल का आपको टायर मिल रहा है। यहाँ पे भी कोई भी कटौती नहीं की गई है, सेम ब्रिजस्टोन का वही टायर मिलता है जो आपको बाकी चारों टायर में मिल रहे हैं, वही आपको जो है स्पेयर टायर मिलता है। एक रिफ्लेक्टर आपको मिल जाता है, यहाँ पे एक पंचर किट मिल जाती है आपको, मोबिलिटी किट मिल जाती है। पार्शियल ट्रे बस नहीं मिलती है यहाँ पे, तो वो आप लगवा भी सकते हैं आफ्टर मार्केट, और काफ़ी तगड़ी थर्ड की आवाज़ आती है। यहाँ पे नीचे आप नंबर प्लेट लगा सकते हैं, और यहाँ पे कोई फॉग लैंप नहीं मिलता है। वोकल्स फॉर लोकल्स की ब्रांडिंग दी गई है, तो ये पूरा रहने वाला है इस गाड़ी का। अभी चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर्स में, एक बार आपको इंटीरियर्स भी दिखा देता हूँ कि इंटीरियर्स में आपको क्या कुछ मिल जा रहा है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे इसकी कीज़ के साथ। तो कीज़ अगर आप देखेंगे तो आपको इस गाड़ी में दो कीज़ मिल रही है, एक फोल्डेबल की मिल रही है, एक फोल्डेबल की मिलती है, और एक जो है नॉर्मल बेसिक की मिलती है, ठीक है। ऑल फोर पावर विंडोज़ मिल जाते हैं, यहाँ पे भी पियानो का टच दिया गया है, डार्क एंड पियानो का यूज़ किया गया है। यहाँ पे अम्ब्रेला होल्डर आपको मिल जाता है, तो यहाँ पे नीचे अगर आप देखें, आपको एक रिफ्लेक्टर भी दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर मिल रहा है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी गाड़ी हाईवे पे खड़ी है, कहीं पे भी खड़ी है, और पीछे से कोई गाड़ी आ रही है, तो एटलीस्ट उसको रिफ्लेक्शन से पता लग जाएगा कि आपका जो डोर है गाड़ी का खुला हुआ है, ठीक है। ORVM भी आपको यहाँ पे एडजस्टेबल मिल जाता है, अपना ORVM भी यहीं से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और सीट इसकी ना भाई इतनी कंफर्टेबल है, इतनी कंफर्टेबल है, पहले ये वाली सीट सेम आपको टॉप एंड मॉडल में भी मिलती थी, ठीक है। अब तो लेदराइट पैक वगैरह भी आ गया है, लेकिन ये सीट बहुत कंफर्टेबल है, ठीक है। यहाँ पे यहाँ से आप एडजस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मतलब फैब्रिक वाली है, बहुत ही कंफर्टेबल रहती है, गर्मी में कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन अगर लेदर सीट वहीं पे रहती है तो उसमें क्या आपको रहता है कि गर्मी में थोड़ा सा पसीना वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर देखिए यहाँ पे आपको इस साइड में आपको जो फ्यूल लिड ओपनर मिल जा रहा है, यहाँ से अपना फ्यूल का ओपन कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे इतना बड़ा आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है,
अभी गाड़ी के अंदर चल के देख लेते हैं आपको क्या कुछ इस गाड़ी में दिया गया है। गाड़ी की चाबी लगा लेता हूँ, आपको जो है इसका इंफोटेनमेंट दिखा देता हूँ कैसा रहता है। सो गैस, इस टाइप का आपको जो है इस गाड़ी में इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फ्यूल की जो है मार्किंग मिलती है, यहाँ पे टेम्परेचर दिखाता है, यहाँ पे 8000 तक का टैकोमीटर मिल जाता है, ठीक है। डीजल बेसिकली ये है, डीजल का बेसिन मॉडल है, ठीक है। यहाँ पे आपको किलोमीटर दिखाता है, आपको एवरेज दिखाएगा, ट्रिप ए दिखाएगा, ट्रिप बी दिखाएगा, ठीक है। इंस्टेंट फीडबैक दिखाएगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखा देगा। मल्टीपल मोड्स आपको इसके अंदर मिलते हैं, स्विच करूँगा तो ये आपको स्पोर्ट्स मोड दिखा देगा, वहाँ पे आप कि डिस्प्ले पे आपको पूरा दिखा देगा इको मोड है, कौन सा मोड है, तो ये सारा यहाँ पे आपको मिलता है। इतना छोटा सा आपको जो है म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है। रिवर्स कैमरा इस गाड़ी में नहीं मिलता है, अगर वो आप चाहें तो लगवा भी सकते हैं, आप यहाँ वाला लगवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ वाला भी लगवा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। आपको इस गाड़ी में 4 स्पीकर तो मिल ही रहे हैं, और यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा सा ना यार एक डार्क ग्रेइश आपको जो है टोन मिलती है, तो ये बहुत ही सुंदर लगता है, और कहीं से भी ना आपको पता लगता नहीं कि ये अंदर बैठ के कि बेस मॉडल है, ठीक है। मैं लिटरली बता रहा हूँ आपको, सिर्फ एक स्क्रीन अगर आप लगवा लोगे ना तो आपको पूरी टॉप एंड वाली फील आएगी, बस एक यहाँ पे आर्मरेस्ट आपको और लगवाना होगा। मैनुअल एसी आपको मिल जाता है, फ्रंट में आपको जो है डिफॉगर भी मिल जाता है इसके अंदर, और रियर में आपको इसके अंदर डिफॉगर नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे एसी आपको इसके अंदर मैनुअल ही दिया गया है। यहाँ पे कंट्रोल्स जैसे बाकी गाड़ी में होते हैं, यहाँ पे सिर्फ बूट रिलीज का है, यहाँ पे एसी का बटन दिया गया है, यहाँ पे एयर सर्कुलेशन का बटन दिया गया है, इस टाइप के एसी वेंट मिलते हैं, ऐसा सा आपको जो है इसके अंदर इंडिकेटर वाला जो है हैजार्ड लाइट वाला स्विच मिल जाता है। और ये देखो साइड से क्या अल्टीमेट लुक आती है, यहाँ पे आपको एक बॉटल होल्डर या ग्लास होल्डर आप इसको कह लीजिए, यहाँ पे फ़ोन वगैरह आप अपना इजीली रख सकते हैं, यहाँ पे आपको मल्टीपल ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं। बेस एंड मॉडल से ही आपको जो है इको सिटी एंड स्पोर्ट्स मोड यहाँ पे दिए गए हैं। टोटल 6 गियर में दोस्तों ये गाड़ी रहने वाली है, और इंजन बहुत तगड़ा है लिटरली इस गाड़ी का, ठीक है। यहाँ पे इंजन स्टार्ट जो स्विच होता है उसकी जगह यहाँ पे आपको ऐसा खाली दिया गया है, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपको मिलता है। IRV में आपको यहाँ पे भी डे नाइट वाला वन नहीं मिलता है, व्हाइट कलर की आपको LED यहाँ पे दी गई है, यहाँ पे आपको सनग्लास होल्डर मिल जाता है, यहाँ पे आपको माइक ले जगह मिल जाती है, कोई भी स्टीयरिंग व्हील पे कंट्रोल्स आपको यहाँ पे नहीं देखने के लिए मिलेंगे। पियानो और जो है हार्ड आपको जो है ब्लैक कलर का देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे वाइपर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको जो है हेडलैम्प के कंट्रोल मिल जाते हैं विद लेवल फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे आप छोटा सा अपना कुछ सामान वॉलेट वगैरह रख सकते हैं, वो सब चीज़ों के लिए जगह है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे एक USB के लिए आपको लगाने के लिए जगह दी गई है, आप अपना जो है पेन ड्राइव वगैरह लगा सकते हैं। यहाँ पे एक 12 वोल्ट का आपको प्रॉपर चार्जर भी दिया गया है, ठीक है। इसमें आपको जो है टैबलेट होल्डर नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी कितना बड़ा ग्लव बॉक्स आप देख लो एक बार। यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर, कार्ड होल्डर और पेन होल्डर, और प्लस यहाँ पे वॉलेट या अपना फोन वगैरह भी आप रख सकते हैं, ठीक है। सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल होने वाली है, इस टाइप का जो है हैंड ब्रेक आपको मिलेगा, तो बहुत ही सही चीज़ है। इसके इंजन की पावर की भी बात करेंगे, माइलेज की भी बात करेंगे, हर एक चीज़ की हम बात करेंगे। अभी चलते हैं रियर साइड में कि पीछे की साइड आपको इस गाड़ी में क्या दिया गया है। उससे पहले मैं आपको एक बार इसके हेडलैम्प्स दिखा देता हूँ जला के, हेडलैम्प्स और इसके टेल लैम्प्स मैं आपको दिखा देता हूँ। सो हेडलैम्प्स की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ऐसे ऐसे हेडलैम्प्स आपको इसके अंदर मिलने वाले हैं, DRLs भी आपको इसके अंदर मिल जाती हैं। सो ये बेसिकली इंडिकेटर्स के यहाँ पे दिए गए हैं, और यहाँ पे हेडलैम्प्स का बेस एंड वेरिएंट में ही आपको जो है DRL दी गई है, ठीक है। इस टाइप की आपको DRL मिल जाती है। प्रोजेक्टर जो है येलो ही है, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है कि आपको बेस एंड वेरिएंट में जो है प्रोजेक्टर मिल रहा है। अभी टेल लैम्प्स की बात कर लेते हैं, ये पूरी LED देखो कितनी अल्टीमेट लग रही है, पीछे की जो टेल लैम्प्स है ना क्या अल्टीमेट लगती है, ठीक है। टॉप एंड मॉडल में और इसमें कोई ज़्यादा कोई फर्क नहीं है टेल लैम्प में और हेडलैम्प्स में, ठीक है, सेम ही मिलती हैं आपको। पीछे कितनी जगह मिल रही है वो भी एक बार आपको दिखा देता हूँ। सो गाइस, पीछे भी आपको जो है इस गाड़ी में पावर विंडो दी गई है, वही डार्क ब्लैक एंड पियानो कलर का जो है यूज़ किया गया है। यहाँ पे आपको जो है बॉटल होल्डर के लिए जगह मिल जाती है, अच्छी खासी आपको 3 बंदों की सीटिंग मिल जाती है। पीछे आपको इस गाड़ी में क्या है, जो हेडरेस्ट है वो एडजस्टेबल नहीं मिलते हैं, फिक्स मिलते हैं, ठीक है। लेकिन स्पेसिंग काफ़ी अच्छी खासी है, काफ़ी चौड़ी सीट है पीछे की ना, एक बार आपको बैठ के दिखाता हूँ। ये देखो कितना मस्त पोजीशन पे मैं बैठता हूँ भाई। यहाँ पे आपको जो है सामान वगैरह रखने के लिए जगह दी गई, काफ़ी गहरा है ये, यहाँ पे अपना सामान वगैरह रख सकते हैं, और काफ़ी मतलब सही फील होता है यहाँ पे ना, काफ़ी अच्छा खासा हेडरूम भी मिल जा रहा है, और काफ़ी अच्छी खासी स्पेसिंग मिलती है। 3 बंदे भाई बहुत ही कंफर्टेबली जा सकते हैं, देखो मेरे हाथ भी नहीं जा रहा है सीट के एंड तक, यहाँ तक सीट है। अगर मैं अपनी जगह पे बैठूं तो कितनी जगह बची, 3 बंदे बहुत ईजिली यहाँ पे बैठ जाएंगे। तो ये है कि आप 3 बंदे इजीली इसमें बैठा के ले जा सकते हो। सो अभी बात कर लेते हैं इस गाड़ी के इंजन की। तो इस गाड़ी में आपको बेसिकली क्या है, 2 इंजन ऑप्शन मिलते हैं, 1.5 लीटर का डीजल इंजन और 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन, ठीक है। तो ये 1.5 लीटर का डीजल इंजन है, क्योंकि जो डीजल है उसमें बेस मॉडल XM ही रहता है। इसके जो पावर फिगर से लगभग आपको 114 BHP की पावर मिलती है, और 260 Nm का आपको जो है टॉर्क मिल जाता है, ठीक है। गाड़ी की जो प्राइसिंग की बात करें तो 10 लाख रुपये एक्सशोरूम इस गाड़ी का प्राइस रहने वाला है। अगर आपको अपनी सिटी में जान रहे हैं ऑन रोड प्राइस कितना है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको आपकी सिटी का जो प्राइसिंग और कोटेशन बता दूं, ठीक है दोस्तों। तो 10 लाख रुपए बहुत अच्छी डील ये रहने वाली है। अगर आप सिर्फ आपको एक स्क्रीन लगानी होगी, अगर आपका मन है तो, अदरवाइज अगर स्क्रीन भी नहीं लगानी तो ऑलरेडी म्यूजिक सिस्टम गाड़ी में दिए गए विद 4 स्पीकर्स, ठीक है। तो ये पूरा था इस गाड़ी के बारे में। माइलेज की अगर मैं आपको बात बता देता हूँ, माइलेज इस गाड़ी में आपको लगभग 21 से 22 तक का आपको डीजल में मिल जाएगा इजिली हाईवे पे,
कोई इशू होने वाला नहीं। और बिल्ड क्वालिटी की अगर हम बात करें तो 5-स्टार रेटिंग के साथ ये गाड़ी आती है। आई होप मैंने आपको सारा कुछ इस गाड़ी के बारे में बता ही दिया। फिर भी कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको लेनी है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम हैंडल पर फॉलो कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।